जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SG स्टडी पे। तो फाइनली जो है आज से नेवी MR SSR डबल ए के लिए जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। और आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की क्लास, जिसमें कि हम लोग आज GK के प्रैक्टिस सेट 1 को करने वाले हैं। और इसे समझ लीजिए कि आप टॉप 15 क्वेश्चन का सीरीज भी है, जो कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये आप लोग लगाना, आप लोग बताना कि आप लोग का स्कोर कितना होता है। साथ ही साथ आप लोग का जो सिलेबस है ना, वो भी आप लोग को चलेगा, ठीक ना, वो भी चलेगा। लेकिन आज फर्स्ट डे था तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट यहां पे आप लोग के साथ लेकर आया हूं, ठीक ना। तो सारा चीज आप लोग को यहां पे देखने को मिलेगा। बता दे रहा हूं कि यहां पे आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग ले लो कि क्या क्या यहां पे आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग का जो सिलेबस में जो भी चीज होगा जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग, वो सारा चीज मैं कवर करूंगा, पूरा डिटेल में A to Z डिटेल में पढ़ाऊंगा सबसे पहला। दूसरा यहां पर क्वेश्चन वो करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो भी एग्जाम में आपको पूछा गया वो सारा क्वेश्चन आप लोग करवाऊंगा। तीसरा जो आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा वो करवाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आगे के एग्जाम में आएंगे वो लड़ सकते क्वेश्चन, वो करवाऊंगा, ठीक ना। और चौथा आप लोग को यहां पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और पांचवा आप लोग को यहां पर जो देखने को मिलेगा वो टेस्ट देखने को मिलेगा। जो भी प्रैक्टिस सेट में अभी करवाऊंगा ना, उसका टेस्ट आप लोग को मैं टेलीग्राम चैनल पर ले लूंगा, मतलब वहां पर वॉइस चैट रहेगा और जितने भी बंदे जुड़ेंगे मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, उनसे लाइव क्वेश्चन आंसर सुनूंगा और वो जवाब देंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर हो जाना, वहां पर आप लोग टेस्ट भी हो जाएगा। साथ ही साथ वहां पे टाइम बता दूंगा किस टाइम में आप लोग को वहां पे टेस्ट देखने को मिलेगा। बाकी बात एक शेड्यूल वीडियो आएगी जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा किस टाइम किस क्लास होने वाला है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना, सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए बिना टाइम गवाए मैं वीडियो करता हूं स्टार्ट। ये वीडियो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। और आज का वीडियो का लाइक कैम हम रखते हैं 1K 1000, इस पर लाइक कैम रखते हैं। आप लोग मुझे उम्मीद है कि ये 1000 इस पर आप लोग लाइक जो है कर दो, तो फटाफट से लाइक कर देना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन को देखता हूं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, वेन वॉज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी 1964 ईस्वी और ऑप्शन डी 1974 ईस्वी। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अंत में अपना स्कोर बताना कि 15 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए एक का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1948 ईस्वी। ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी, तो आप लोग याद रखना। अगला सवाल चलिए देखते हैं। दो नंबर सवाल कह रहा है वर्तमान शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी, इन विच ईयर वाज द करेंट एडुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड। यहां पे दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1986 ईस्वी, ठीक ना। वर्तमान शिक्षा नीति जो लागू हुई थी 1986 में हुई थी, तो आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल चलिए देखते हैं। तीन नंबर सवाल यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है। तीन नंबर सवाल लो यहां पर दोस्तों कह रहा है मिस यूनिवर्स 2019 निम्न में से किसे चुना गया, मिस यूनिवर्स 2019 विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन चूजन। तो यहां पे आप लोग देखोगे दोस्तों तो यहां पे एक भी ऑप्शन वो नहीं देखने को मिलेगा जो कि 2019 के थे, मतलब कि जो विनर। यहां पे आप लोग यहां पर 2018 कर देते हैं तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैटरीना ग्रे। 2018 की जो मिस यूनिवर्स है वो कैटरीना ग्रे है, और इसमें 2019 वाला एक भी ऑप्शन नहीं है जो विनर है। तो यहां पे मैं बता दे रहा हूं 2019 के जो विनर है वो है झोजी विनी तुंजी है। क्या है झोजी, यहां पर आप लोग देख लेना झोजी विनी तुंजी, ठीक ना तुंजी, ये है 2019 के मिस यूनिवर्स, ठीक ना, इसे चुना गया था। तो आप लोग इसे नोट कर लो आप लोग, ठीक ना। और ये 2018 के, ठीक ना, यहाँ पे मैंने ऑप्शन में नहीं लिया तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो झोजी विनी तुंजी मिस यूनिवर्स 2019 का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों। चार नंबर सवाल कह रहा है देश का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, वेयर इज द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन द कंट्री। ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी सोनपुर, ऑप्शन सी खड़गपुर और ऑप्शन डी बनारस। चार का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोनपुर, जो बिहार में है और देश का सबसे बड़ा पशु मेला यहां पे लगता है। और यहां पर हम बोल सकते हैं कि एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला तो यही हो जाएगा, सोनपुर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन बोला है भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, हु इज द सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक और ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर। पांच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रमेश पोखरियाल निशंक, मतलब कि भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है ये रमेश
ख्याल निशंक है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन साइड ऑफ हॉकी? ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 10। 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 11 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। हॉकी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल चलिए दोस्तों देखते हैं यहां पर, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक ना। 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250 मतलब राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की जो संख्या होती है वो 250 होता है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल चलिए देखते हैं, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल? 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिस्बन हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो कहाँ है? लिस्बन है, तो आप लोग याद रखना। अगला सवाल जो कि आपके एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, आर्मी हो गया, सभी के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन देखने होगा 15 में से कम मतलब कि 5-6 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन होंगे। अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको पता होगा, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री ऑनर ऑफ द कंट्री, देश का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी महावीर चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र और ऑप्शन डी है भारत रत्न। 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमवीर चक्र हो जाएगा। देश का सर्वोच्च सौर सम्मान जो है वो परमवीर चक्र है, गैलेंट्री ऑनर है कौन? परमवीर चक्र है, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। अगला सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे 10 नंबर, हीना सिंधु का संबंध किस खेल से है? हीना सिंधु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी है शूटिंग और ऑप्शन डी है शतरंज। 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी शूटिंग हो जाएगा। हीना सिंधु का संबंध है वो शूटिंग से है, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ठीक ना। अगला सवाल हम देखेंगे यहां पर 11 नंबर, 11 नंबर सवाल एक करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पूछा गया सवाल, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? ऑप्शन ए गोपीनाथ मुंडे, ऑप्शन बी मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन सी प्रमोद सावंत और ऑप्शन डी नारायण राणे। 11 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री जो है वो प्रमोद सावंत है, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद आयोजित होता है? How many year after Olympic game are held? 4 वर्षों बाद, 5 वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद और ऑप्शन डी कोई निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, 4 वर्षों बाद प्रत्येक साल है, जो कि क्या हो जाता है मतलब कि ओलंपिक खेल को आयोजित किया जाता है दोस्तों। अगला सवाल हम यहां पर देखेंगे 13 नंबर, पेशवाओं का संबंध किस साम्राज्य से था? विच एम्पायर डिड द पेशवाज बिलोंग, ठीक ना। ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी लोदी और ऑप्शन डी खिलजी। 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मराठा। पेशवाओं का संबंध था जो कि मराठा साम्राज्य से था, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल यहां पर देखेंगे दोस्तों, अमरकोश की रचना किसने की थी? हु पोज द अमरकोश? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी अमरवनी, ऑप्शन सी भास ने और ऑप्शन डी अमर सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह ने। अमरकोश की रचना जो किए थे वो अमर सिंह किए थे, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों। अगला यहां पर सवाल दोस्तों देखेंगे 15 नंबर, सांभर लवन झील स्थित है? सांभर सेलिन लेक इज सिचुएटेड? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उड़ीसा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी राजस्थान हो जाएगा। सांभर लवन झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों आप लोग को पता है कि ये क्लास आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट चैनल पे देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा जो सेकेंड चैनल है दोस्तों लर्न विद शांतनु, ठीक ना, उस पे भी आप लोग को क्लास देखने को मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि आज मैंने फर्स्ट इसी पे स्टार्ट कर दिया, क्यों किया है, क्योंकि यूट्यूब है जो कि 2 वीडियो के बाद नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करता है, तो यहाँ पे 2 क्लास यहाँ पे लगेगी और 2 क्लास हमारे सेकेंड चैनल पे लगेंगे। तो सेकेंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी अभी पढ़े हो ना, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाना, फ्री में आप लोगों को पीडीएफ देखने को वहां पे मिल जाएगा विद आंसर शीट। आप लोगों को आंसर शीट भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सारा चीज का, ठीक ना। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक कैम 1K है वो पूरा कर देना फटाफट से, जो भी देखे हो लाइक करना अच्छा लगा हो तो, ठीक ना। और अपने दोस्तों को बताओ कि क्लास स्टार्ट हो गया और आप इस बार सिलेक्शन लेना है, जो भी क्वेश्चन दूंगा सीधा एग्जाम में लड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। तो सारा चीज मैं सिलेबस सारा चीज कंप्लीट करने वाला हूं,
बस धीरे धीरे सब चीज़ होगा, बस आप लोग पेशेंस बना के रखो दोस्तों, ठीक है ना। हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर लो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मजा ना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।